हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जिस नोटिफिकेशन की सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो नोटिफिकेशन आ चुकी है कि एग्जाम्स कब होंगे, कहाँ होंगे, कौन से शिफ्ट्स में होंगे, कहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बहुत ही जल्दी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे ज़रा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर आपकी जो परीक्षा है वो कब होगी, 28 और 29 अक्टूबर। तो सोचिए कि बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया। और इसको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाने तो देखिए जरा यहाँ पर कि आपकी जो परीक्षा है वो 28 और 29 दो दिन होनी है, ठीक है ना, 2023। और उसमें दो दो शिफ्ट्स में आपके पेपर होंगे, एक तो सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 से शाम को 5 बजे तक, यानी कि 2 घंटे की आपकी परीक्षा है। और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे से आप परीक्षा को, ठीक है ना, मतलब सफल कर आएंगे। साथ ही साथ इसमें कुल मिलाकर 35 जनपदों में आपकी परीक्षा होनी है। देखिए, मतलब आपका कौन सा क्षेत्र होगा वो आपको देखना है, लेकिन कुल 35 जो जनपद हैं वो निश्चित किए गए हैं। कौन कौन से, देखिए, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, देवरिया, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी। तो ये कुल मिलाकर 35 जनपद हैं। तो आपको देखने की आपका जो क्षेत्र है वो कौन सा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी बताया गया, एक वेबसाइट प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना, upssc.gov.in। यहाँ पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो प्रॉपरली डाउन कर सकते हैं। और देखिए, 19 अक्टूबर से ये चीज़ प्रारंभ होगी, तो इसलिए बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा। कोई भी गलती जो हो जाती है फिर वहाँ पर इश्यू आ जाता है। तो किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या हो फॉर्म डाउनलोड करने में या कैसे भी, ठीक है ना, परीक्षा से संबंधित, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा तो यूट्यूब पर जो सेशंस वगैरह हैं आपके लिए चलते ही रहते हैं। कोई भी गाइडेंस हो पेपर के लिए आपकी, जैसे लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन वगैरह हो, तो उसके लिए आप हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। आप परीक्षा में सफल हों यही हमारी कामना है। धन्यवाद।